जब मोहन भागवत बोले सबका डीएनए एक, हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। जब संघ प्रमुख ने लिंचिंग करने वालों को कोसा, लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। हमलावर हुए ओवैसी, फेंका गोडसे वाला गोला। मेजॉरिटी कम्युनिटी में एक सेक्शन का रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो किसकी आइडियोलॉजी से हुआ है? दिग्विजय सिंह बोले अपने शिष्यों को दीजिए ज्ञान। अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटते हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। इनकी जो पूरी की पूरी इस गुमराही गैंग की जो साजिशें षड्यंत्र हैं वो सामने आ रही है। मायावती समाजवादी पार्टी ने भी उठाए हथियार। इनके मुंह में राम, बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। राजनीति समाज को तोड़ेगी मत, और इसके लिए भागवत साहब की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। बात बढ़ती गई, बीजेपी ने किया चौतरफा वार। लिंचिंग वर्ड आया कहां से? ये तो कांग्रेस की देन है। नफरत की राजनीति तो कांग्रेस करती है। लिंचिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है, इसी पर आज हल्ला बोल करेंगे। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उन्होंने कहा कि जो लिंचिंग करते हैं वो हिंदुत्व के विरोधी हैं। मोहन भागवत के बयान पर ओवैसी से लेकर दिग्विजय सिंह, मायावती समेत पूरे विपक्ष ने तलवारें तान ली हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या सबका डीएनए एक है। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से, अवनिजेश अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस मुद्दे पर। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा को आगे लिए चले, आपको पहले अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत को सभी भारतीयों का डीएनए समान दिखा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के दुश्मन दिखे, तो देश की सियासत में जैसे राजनीतिक आक्रमण की सियासी सुनामी आ गई। मायावती ने कहा संघ के एजेंडे पर बीजेपी हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाती है, मुंह में राम, बगल में छुरी है इनके। असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा सरकार फिर क्यों लिंचिंग करने वाले मुजरिमों को पनाह देती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले संघ प्रमुख अपने नेताओं को भी जरा ये ज्ञान दे दे। आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताजा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है, बल्कि मुंह में राम, बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हम सब एक हैं। यही भाजपा, संघ और विश्व हिंदू परिषद, अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटते हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। क्या मोहन भागवत अगर वाकई में अपनी बात पर सच्चे हैं तो हम ये जानना चाहेंगे, बल्कि उनसे सवाल करना चाहेंगे, क्या वो लिंचिंग को मानते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है? और अगर हो रहा है तो करने वाले इतने रेडिकलाइज क्यों हो चुके हैं? और अगर रेडिकलाइज हो चुके हैं तो किसकी आइडियोलॉजी पर रेडिकलाइज हुए हैं, और कौन उनको हिम्मत दिला रहा है? क्या मोहन भागवत नहीं जानते कि इखलाक हो, पीलू खान हो, रकबर हो, अलीमुद्दीन अंसारी हो, जुनैद हो या आसिफ हो, ये तमाम के तमाम जो एक्यूज हैं, इनका ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से नहीं है। गाजियाबाद में किताब लॉन्च में दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ये कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए समान है, लिंचिंग करने वाले दरअसल हिंदुत्व के दुश्मन हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो सबसे तगड़ा मोर्चा खोला मायावती ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहन भागवत के एक एक बयान पर बीजेपी सरकार को घेरा। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। इस आधार पर आरूढ़ होकर हम जब विचार करते हैं तो मन में अपना बनाता ही है। आरएसएस की कथनी व करनी में काफी जमीन आसमान का अंतर है, खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है,
लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई है। जब तक आरएसएस, बीजेपी एंड कंपनी व इनकी सरकारों की संकीर्ण सोच व कार्यशैली आदि में सही सर्व समाज हितेशी संविधानिक परिवर्तन नहीं आएगा, तो तब तक इनके बातों पर खासकर मुस्लिम समाज द्वारा विश्वास करना बहुत मुश्किल लगता है। बात शुरू तो हुई डीएनए और लिंचिंग से, लेकिन पहुंच गई मायावती के बयान से धर्मांतरण पर। मायावती ने आरोप लगाया कि चुनाव आए तो बीजेपी धर्मांतरण के नाम पर नफरत फैलाने लगी। जवाब देश के रक्षा मंत्री ने दिया। सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत इसकी आड़ में इसे जबरन हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाना तथा पूरे मुस्लिम समाज को शक की नज़रों से देखना ये कतई भी उचित नहीं है, और बीएसपी फिर इसका डटकर विरोध भी करेगी, क्योंकि इससे दोनों धर्मों के लोगों में आपसी नफरत पैदा होगा। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारा आधार रहा है राजनीति करने का। ये कह रहे हैं मुसलमानों में डर पैदा किया गया है इससे वोटों के लिए। नहीं नहीं, वो तो अपना पोलराइजेशन करने वाले डर पैदा करते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो अथवा जिस विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं उस पर, वो लोग कभी इस प्रकार की बात नहीं करते। धर्मांतरण अथवा कोई जब अन्य कोई यदि प्रश्न होगा तो कानून के दायरे में कोई भी यदि आएगा तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति पंथ और मजहब का मानने वाला क्यों ना। उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले मामला उठा है तो हर सियासी दल ने बीजेपी पर तलवारें तान दी हैं। लिंचिंग को लेकर सवाल उठाते हैं ना विपक्ष के लोग, तो ये लिंचिंग वर्ड आया कहां से? ये तो कांग्रेस की देन है। लिंचिंग तो हमने, आपने, सबने सुनी, पूरे देश ने, तो ये मॉब लिंचिंग क्या है? ये तो कांग्रेस के टाइम में हजारों की तादाद में पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दौरान हुई। कोई भी धर्म लिंचिंग नहीं सिखाता है, और भारत का संविधान तो लिंचिंग बिल्कुल नहीं सिखाता है। उसके आधार पे हम अपना जीवन जीते हैं, चाहे वो सामाजिक हो और राजनीतिक। अगर कोई लिंचिंग करता है, वो किसी भी धर्म, किसी भी समाज से हो, तो फिर भी उसके ऊपर भारत का कानून लागू होता। मोहन भागवत के बयान पर सरकार का पक्ष रखने सामने आए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा, गुमराही गैंग हमेशा संघ के विचारों पर दुष्प्रचार करती है। जो मोहन भागवत जी ने कहा, संघ के विचार हमेशा ऐसे ही रहे हैं, लेकिन संघ के विचारों पर विरोधियों के दुष्प्रचार हावी रहे हैं हमेशा, और इस तरह के गुमराही गैंग के जो दुष्प्रचार थे, वो संघ के विचारों को किस तरह से नुकसान पहुंचाओ, इस षड्यंत्र और साजिश में लगे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान चरम पर है। चुनाव के पहले सभी दहाड़ रहे हो, वैसी ओपी राजभर के साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हो 100 सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन दम भर रहे हैं कि योगी को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। योगी ने चैलेंज भी कबूल कर लिया है। इंशाल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे, तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मिशन 2022 में तमाम पार्टियां अपने अपने एजेंडे पर आर पार की जंग छेड़ रही हैं, लेकिन मोहन भागवत के हिंदू मुस्लिम सद्भावना वाले बयान से निकला सियासी तूफान किसके एजेंडे को सूट करेगा? कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।